फैज़ के बारे में क्या कहना, आप सब तो खूब जानते हैं। मैं तो बिल्कुल, ये मेरा पहला मौका है जब मैं फैज़ साहब को पढ़ रही हूँ। फैज़ जो है उन्हें पढ़ा जा सकता है, गाया जा सकता है एवं अपने दोस्तों से साझा किया जा सकता है। फैज़ वो हैं जिनका आकर्षण उन्हें हमारे बीच में बार बार ले आता है। फैज़ वो हैं जहाँ तानाशाह जब दम भरने लगता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए वो हमें उकसाते रहते हैं। फैज़ के लिए खुलकर बोलना अपने आप को ज़िंदा रखना होता है। हम तो यही मानते हैं कि जो इश्क, जो किसी भी तरह का इश्क करते हैं, वो फैज़ को हमेशा अपने आसपास रखना चाहते हैं। जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, वो फैज़ को अपने पास रखना चाहते हैं। उन्हें आज भी फैज़ की ज़रूरत है। फैज़ वास्तव में लोकतंत्र के कवि थे। उन्हें खुलकर लिखने के लिए कई बार जेल में भी डाला गया था। पाकिस्तानी हुकूमत की निगाह में तो वो 1950 के दशक से ही चढ़ गए थे। लग रहा था कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन उन्होंने हमेशा ही ये चाहा कि जनता उनके साथ है। जब भी उन्होंने लिखा, ये सोचकर लिखा कि जनता उनके साथ है, इसलिए वो बचते रहे। फैज़ के बारे में तो आप सब जानते हैं, इसलिए अब जितना मैं बोलूँगी कमी होगा। इसलिए उनकी एक, बहरहाल जो पसंदीदा, मेरी पसंदीदा है उनके खजाने से, उसका नाम है कब याद में तेरा साथ नहीं, उसका शीर्षक है, उसे मैं पढ़ रही हूँ आप सबके सामने। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ, दिल बेच आए जहाँ बेच आए, दिल वालों कूचा ए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नाम व नसब की पूछ कहाँ, मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नाम व नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। शुक्रिया।